पर गर्मी के मौसम से हैं परेशान, तो चलिए हमारे साथ जरा बोरिया बिस्तर मान लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं मालदीव की सैर करने। ना ना, अकेले अकेले नहीं जाएंगे, जाएंगे प्रेरणा और अनुराग के साथ, यानी कि हमारी एरिका फर्नांडिस और पार्थ सामंत के साथ मस्ती करेंगे मालदीव के बीचेस पर। तो चलिए ना, देर किस बात की, क्योंकि ये है SBS ओरिजिनल्स। सास बहु साजिश पहुंच गया है पार्थ और एरिका के साथ मालदीव। और यहां पर आने तक का जो सफर था वो बहुत अच्छा था। बहुत कुछ करना है, मालदीव्स देखना है, एक्सप्लोर करना है, इन वाटर्स को एक्सप्लोर करना है, एंड आई वांट यू टू टेल अस अबाउट दिस प्लेस मोर ओवर। यस प्लीज, प्लीज टेल अस अबाउट दिस प्लेस, बिकॉज यू बिलोंग टू क्लब मेड एंड यू हैव इनवाइटेड, सो थैंक यू फॉर दैट। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस रिसॉर्ट? सो एज यू नो, क्लब मेड इज द फ्रेंच कंपनी। वी हैव मोर देन 70 रिसॉर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड यू नो इट्स अ प्लेस फॉर a luxury place with a lot of animation, a lot of events, yes. And only for you. And we are really, really happy to welcome you here in Clement Kenny. इतने थकान के जर्नी के बाद हमारी जो इतनी अच्छी जर्नी थी, तो अपने रूम्स के बारे में सुना है, वो हाँ बिकॉज हमने सुना है कि वो हमारा जो रूम है वो पानी के ऊपर है, तो देखते हैं। और यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही इतना अमेजिंग है, सो ब्यूटिफुल। SBS पे आपका स्वागत है इस प्यारे से विला पर। इट इज ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही माना जाता है कि बहुत लोग यहाँ पर अपनी खूबसूरती निखारते हुए यहाँ पर आते हैं और नेचर को देखते हैं और नेचर को अप्रिशिएट करते हैं। तो हम भी इस विला में अब तक मतलब कुछ देर तो बिता चुके हैं, और इतनी प्यारी जगह है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। आप खुद ही देख लीजिए इस कमरे से क्या व्यू दिखता है। पर जो शांति है, जो पीस है, जो आपको चाहिए आपके रोजमर्रे की जिंदगी में, जो आप बिजी रहते हो, एक गेट अवे, एक छुट्टी के लिए जब आप आते हो, तो ये आपको बहुत जरूरी है। अब बहुत हो गई बातें यहाँ की, कमरे में आखिर कुछ है नहीं, क्योंकि मालदीव्स में जो भी कहते हैं वो सब बाहर की जो खूबसूरती होती है वो होती है, वो असली खूबसूरती है। तो कमरा तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब वक्त है मुझे अपने दोस्त से मिलने का जो इस वक्त आराम कर रही है, और उनको एक सैर पर लेके जाने का। एक एंड पॉइंट है, इतना ब्यूटीफुल है कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी पानी है। जो रिसॉर्ट है वो है क्लब मेड, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आप देख सकते हैं कि जो विलास यहाँ पर बने हुए हैं वो पानी के ऊपर बने हुए हैं यहाँ पर। इनफैक्ट आप रूम से, अपने विलास से बाहर निकलकर उस पानी में भी जा सकते हैं, एंड इट्स सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि बस शादी कर लें क्योंकि अक्सर, इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, मेरे दो कजिन्स जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने हनीमून पे यहाँ आए हैं, तो आई एम श्योर इट्स वेरी रोमांटिक ओवर हियर, एंड आई कैन एक्चुअली फील द वाइब।
She's swim ready. ये क्या होता है swim ready? मतलब मैं पानी के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ. Okay, पानी के अंदर जाने के लिए. तो हमारी असली खूबसूरती मालदीव्स की पानी के अंदर है. ऐसा आप कह रहे हैं. तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कैसे लगा हैप्पीनेस का, झूला जो पानी में है? मैं अभी उसी कॉन्सेप्ट में हूँ. कॉन्सेप्ट में हूँ. आई मीन यू आर स्टिल इन दैट जोन, इन दैट ट्रांस. ओ, वो अभी तक बाहर नहीं निकले. पर हैव ऑलवेज, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं यहाँ पे एक फ़ोटो तो ज़रूर खींचूँ. ये 50 फोटो खींच लिए तुमने भी बहुत खींचे. हम अभी पैरासेलिंग करने जा रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस. बट यस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस और काफ़ी एक्साइटेड है एंड इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, इतना ब्यूटीफुल वेदर है. लेट्स सी. वी डूइंग फ्लाइट ट्रपेज़ी आल्सो, व्हिच वी हैव नेवर हर्ड ऑफ. तो हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं और इट्स गोना बी फाइन. इट्स गोना बी एन एडवेंचरस डे टुडे. थोड़ी बहुत मोशन सिकनेस है तो बस. बट उसके अलावा आई एम वेरी एडवेंचरस एंड वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द एडवेंचर्स एंड नॉट फेमिलियर विथ मोर ऑफ वाटर एडवेंचर्स. सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर. जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. हम सोच रहे थे कि डॉल्फिन्स नज़र आ जाएंगे लेकिन नहीं दिखा डॉल्फिन, लेकिन पूरा मालदीव्स दिखा ऊपर से. एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द वाटर, द वेदर एंड ऑल द अदर आइलैंड्स. इनफैक्ट हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि ये कौन सा आइलैंड है, ये कौन सा आइलैंड है. तो बहुत प्राइवेट आइलैंड्स भी दिखे लेकिन हाँ, डॉल्फिन्स अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखे. बट आशा करते हैं कि आज पूरे दिन में कहीं ना कहीं दिख जाए, है ना. शार्क्स भी. साइलेंट पे बहुत डिफरेंट टेस्ट मिलता है. हां, बहुत डिफरेंट है. लॉट्स ऑफ कोकोनट्स टू कम ऑन आवर वे एंड काफी चिलिंग राइड थी, है ना. वेरी रिलैक्सिंग द मोमेंट को एंजॉय करना. और जो पानी के लहरें जो नीचे से जो लग रही थी जोर-जोर से, ओ हो हो, वो तुम्हें ज्यादा लग रही थी. मुझे ज्यादा लग रही थी, एकदम ठंडा पानी. एक साइड पे था ना. हां, वेट एक साइड पे था, ये एक साइड पे थी और बाकी हम सब एक साइड में थे. हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कहीं ओवरवेट ना हो जाए. मैं तो स्ट्रिक्टली फोटोशूट नहीं करने आया, ये करने आई हूं. जगह खड़ी हो जाती है अपने तीन कैमरा लेकर. तीन कैमरा क्योंकि मैं व्लॉग्स भी बनाती हूं. व्लॉग्स बनाती है वो. मैं कैप्चर करती हूं हर एक जगह को जहां पे मैं ट्रैवल करती हूं. इन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के बीच एरिका को उनका एक नया दोस्त मिला जिनके साथ ज्यादा बातें तो नहीं हुई,
लेकिन हाँ, अपने इस नए दोस्त से मिलने की खुशी एरिका के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और अपने दोस्त से मुलाकात के बाद बारी आई एरिका और पार्थ की फोटोशूट की। तैयारी हो चुकी है, अभी कहाँ जाने वाले हैं? अभी हम जाना है बोट पे एंड देन वी आर गोइंग टू अ लोकेशन जहाँ पे स्नॉर्कलिंग होने वाला है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। देखो ये पेंगुइन वॉक कर रहा है। पेंगुइन वॉक या सलमान का डांस? ये सलमान खान का डांस था। अकॉर्डिंग टू पार्थ मून वॉक था, लेकिन मुझे लगा पेंगुइन वॉक है। मैंने शुरुआत तो मून वॉक से की थी, लेकिन थोड़ा मुझे इस पे अपना पैर बिठाना होगा, से हाथ जमाना होता तो पैर बिठाना होता। ये पहला एक्सपीरियंस है दोनों का या फिर? नहीं, हम बचपन से करा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं कर चुकी हूँ स्नॉर्कलिंग यहाँ पे मालदीव में, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है, जब स्विम टेस्ट हो रहा था तो पार्थ आप राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या लेने गए थे, क्या ढूंढ रहे थे आप? मैं कुछ सोच रहा था, सोच में था मैं, और मैं बस ऐसे कर रहा हूँ, मुझे अच्छा मैं गलत। कलर्स पता है। ओह यस, पहला एक्सपीरियंस था। पहले 10 मिनट के लिए ही वाज मैं मर जाऊंगा। वेल एक्चुअली ब्रीदिंग का, इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग, दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड के अंत में, कि आपकी ब्रीदिंग सही होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ दोस्त भी थे जो बहुत उनको खतरा आया, और उन्होंने बहुत बार हमारे इंस्ट्रक्टर को नमकीन पानी पी लिया। उनके अंदर पूरा नमकीन हो गए, वो आयोडीन से भर गए। सो बॉडी में नमक है अब। बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, आई लव्ड इट। स्नॉर्कलिंग करने के बाद पार्थ और एरिका ने सुहाने मौसम में वॉलीबॉल के मजे लिए, और साथ ही में जुम्बा करते हुए अपने कदम भी थिरकाए। फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार में जो जुम्बा कर रही हूँ, लेकिन डांस तो मैंने पहली बार नहीं किया, सो इट वाज लाइक एक्सरसाइज इन डांस फॉर्म। जुम्बा किया है मैंने, लेकिन ये थोड़ा जब कंपनी होती है साथ में तो सब घुल मिल के अच्छा निकलता है, तो वेदर भी बहुत अच्छा है, और ऑफ कोर्स मालदीव्स में जुम्बा करना, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। इसे कहते हैं फ्लाइंग टैक्सी, इसे हमने बचपन में सर्कस में देखा है। सर्कस में क्या होता है? सर्कस में देखा है,
और काफ़ी एज किड्स हम लोग एंजॉय करते थे वो सब, ऊपर देखकर एक सेंस ऑफ वंडरमेंट होती थी कि वाह कैसे करते होंगे, और आज हम सर्कस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसका मतलब है ट्रेपेज़ी करने जा रहे हैं। लाइफ इज अ सर्कस। कपड़े चेंज हो गए क्योंकि तो हाँ कपड़े मुझे इन्होंने दिए क्योंकि मेरा जो स्विम सूट था उन्होंने कहा कि जो हार्नेस है वो लगेगा मेरे वेस्ट को, इसलिए उन्होंने मुझे टी शर्ट दिया। काफ़ी लोग यहाँ पर देखो लाइन देख सकते हैं आप, कितनी अच्छे पैमाने में लोग आए हैं यहाँ पर करने के लिए, तो काफ़ी एंटरटेनिंग डिफरेंट है। तो यस इट्स अ टेस्ट ऑफ आवर फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट सर्किस अच्छा था और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट हुई और हर चीज़ घिस गई, काफ़ी रफ था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तुमने तो दो लेवल किए, दो राउंड किए, तो उनको बताओ कैसा था। इट वाज फन, ये सब हम देखते हैं लेकिन आज करने का मौका मिला तो इट वाज फन, आई लव्ड इट। ये थी एरिका और पार्थ की कुछ मस्ती, कल अब आपको ले जाएंगे इन दोनों के साथ शॉपिंग में और चखाएंगे आपको इन दोनों के हाथों का स्वाद। कैमरामैन आतिश कामले के साथ मिशा मिश्रा, एबीपी न्यूज मालदीव्स। ये है ABP News, आपको रखे आगे।